देखना चाहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे षड्यंत्र से पर्दाफाश करने वाले हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में हर साल 90 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं, और इसके पीछे है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। ऐसा षड्यंत्र जिसे जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, आप चौंक उठेंगे ये जानकर कि कैंसर का इलाज संभव है, मगर ये बात जानबूझकर हमसे छुपाई गई है। हाँ दोस्तों, ये षड्यंत्र रचा गया है उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा जो अलग अलग तरह की बीमारियों पर रिसर्च करके अलग अलग दवाइयाँ बनाती हैं, फिर उन दवाओं को बाजार और हॉस्पिटल में बेचती हैं। ये कंपनीज कैंसर की दवा भी बनाती हैं, जिससे इन कंपनियों को हजारों बिलियन डॉलर का फायदा होता है। इन कंपनीज को अच्छी तरह से पता होता है कि ये दवा किसी काम की नहीं है, फिर भी जानबूझकर फार्मास्यूटिकल बेअसर दवा बनाती हैं, ताकि मरीज कभी अच्छा ना हो और उनका करोड़ों अरबों का व्यापार ऐसे ही चलता रहे। दोस्तों, इस षड्यंत्र में उन महान लोगों का भी हाथ है जो कैंसर का इलाज करते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही फार्मास्यूटिकल में बन रहा स्लो पॉइजन कैंसर से ग्रसित व्यक्तियों तक पहुँचता है, और इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, आपको यह बात जल्द अपने जहन में उतार लेनी चाहिए कि कैंसर का इलाज है, मगर चाह नहीं गया कि इसका इलाज हो। हमारा शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब ये कोशिकाएं अनियंत्रित तौर पर बढ़ती हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं, तब यह शरीर के बाकी हिस्सों को अपना काम करने में रुकावट बनती है, जिससे उन हिस्सों पर कोशिकाओं का गुच्छा, गांठ या ट्यूमर बन जाता है। इसी अवस्था को कैंसर कहते हैं। डॉक्टर इन अनियंत्रित होकर बढ़ी हुई कोशिकाओं के गुच्छे या गांठ को हटाने के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कोबाल्ट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कैंसर की कोशिकाओं को मार सकें। इन थेरेपी से कैंसर की कोशिकाएं तो मर जाती हैं, परंतु साथ ही शरीर की बाकी अच्छी कोशिकाएं भी मर जाती हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षक शक्ति, रेजिस्टेंस पावर, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। कीमोथेरेपी से व्यक्ति के शरीर के पूरे बाल उड़ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे समय निकालते निकालते रोगी मरता ही है, क्योंकि एक बार जब हमारे शरीर की कोशिकाएं मर जाती हैं, तो उसे हमारा शरीर दोबारा नहीं बना सकता है। और ये बात कैंसर का इलाज करने वाले मसीहाओं को अच्छे से पता होती है। व्यक्ति कैंसर से नहीं मरता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, बल्कि जो ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है उससे उसकी मौत होती है। और ये बात स्वयं राजीव दीक्षित जी ने भी कही थी कि कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट क्या है वो हमने आपको बता दिया है। इतनी सारी दवाओं के बनने के बाद भी कैंसर जैसा रोग लाइलाज है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि वह कभी चाहते ही नहीं कि कैंसर जैसा भयानक रोग कभी सही हो, इसलिए बेअसर दवाइयों का बनना जारी है। पर कैंसर का डर हमारे अंदर इस तरह से बिठाया गया है कि हम इसे लाइलाज मानते हैं। दोस्तों, कैंसर का इलाज संभव है, और केवल कैंसर ही नहीं बल्कि हर बीमारी का इलाज प्राकृतिक तरीके से संभव है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पत्तों से आज भी कई जगहों पर कैंसर का इलाज किया जाता है। अभी हम आपको एक महात्मन से मिलवाते हैं। इनका नाम है श्री संत भगवान दास जी। ये चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया रोड पर बिरला सीमेंट वर्क्स की लेबर कॉलोनी में बाबा घाट के नाम से प्रसिद्ध आश्रम में रहते हैं, और वहाँ पर ये कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करते हैं। इनका कहना है कि किसी भी बीमारी का इलाज प्राकृतिक तरीके से किया जा सकता है, और उन्होंने कई लोगों के असाध्य रोगों को ठीक करके इस बात को सिद्ध भी किया है। दोस्तों, श्री संत भगवान दास जी को 2000 से अधिक जड़ी बूटियों का ज्ञान है। इन्हीं जड़ी बूटियों और पत्तों की मदद से वे असाध्य से असाध्य मरीजों को ठीक करते हैं, और ये सारे दुर्लभ जड़ी बूटियां वे अपने आश्रम में खुद उगाते हैं। इनका ये भी कहना है कि व्यक्ति बिना कीमोथेरेपी किए अगर आश्रम में आता है तो थर्ड स्टेज का कैंसर भी यहाँ ठीक किया जा सकता है। इनके आश्रम का पता आप नोट कर लीजिए, और दिए जा रहे नंबरों पर कॉल करके भी आप इनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इसी आश्रम में राजीव दीक्षित जी 3 दिन ठहरे थे, और संत भगवान दास जी से उन्होंने आयुर्वेद, अध्यात्म और इतिहास के बारे में अद्भुत जानकारियां प्राप्त की। और आपको तो पता ही है कि राजीव दीक्षित जी कितने जिज्ञासु थे। दोस्तों, ये बातें हमें स्वयं संत भगवान दास जी ने बताई हैं, क्योंकि हम भी इनके आश्रम में 2 दिन ठहरे थे, और उन्होंने आयुर्वेद के बारे में ऐसी ऐसी दुर्लभ जानकारियां हमें दी हैं, जिसे हम आगे आने वाली वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को केवल आप अपने तक ही सीमित ना रखें, और इसे इतना फैलाएं कि फार्मास्यूटिकल वालों की चाल हर व्यक्ति को पता चले,
और लोग फिर से हमारे आयुर्वेद की ओर लौटे। ये मिशन आपके बिना संभव नहीं है, इसलिए हरेक मित्र इस वीडियो को शेयर करें और कैंसर के प्रति आपके क्या विचार हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हरेक वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।